हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो बहुत सारे स्टूडेंट आजकल मुझे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि मैम बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में क्या होता है कि पेंटिंग या दीवारों में सीलिंग लग जाती है और पेंटिंग में फंगस लग जाता है, तो ये फंगस जो लगता है इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फंगस आपके पेंटिंग में लगा है तो आप बारिश का मौसम बिल्कुल जाने दीजिए, उसके बाद ही उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर आपका बहुत ही गंदी तरह से फंगस लगा है और बारिश के मौसम का जाने का ना वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसको साफ करके उसको रख दीजिए। उसके बाद फिर आपको, क्योंकि आपको थोड़ा धूप दिखाना पड़ता है, अगर कभी भी धूप आता है तो धूप जरूर दिखाइएगा। तो फंगस निकालने का सबसे इजी वे ही ये है कि आप धूप लगाएं तो आपका फंगस थोड़ा बहुत उधर ही डेड हो जाता है। और लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ब्रेड होता है ना, स्पेसिफिकली वाइट ब्रेड, सॉफ्ट वाइट ब्रेड, एकदम फ्रेश वाइट ब्रेड जो होता है, उसको आपको लेना है और आपको पेंटिंग में अच्छे से वो वाइट ब्रेड को एकदम अच्छी तरह से मलना है। पेंटिंग आपको पूरी कैनवस ट्राई कीजिएगा कि कैनवस के जो स्ट्रेचर है उससे निकाल लीजिए, क्योंकि साइड साइड में भी आपका फंगस रह सकता है, इसलिए आप दोनों तरफ, नॉट ओनली पेंटिंग के आगे बट पेंटिंग के पीछे भी आप उस ब्रेड से सफाई कर दीजिए और उस ब्रेड का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से पैक करके डस्टबिन में फेंकिएगा, क्योंकि सारा जो फंगस है वो उस ब्रेड में आ जाता है, क्योंकि ब्रेड जो है वो फंगस का फूड है, तो इस वजह से वो जल्दी से उसको कैच कर लेता है और फिर वो उसमें निकल जाता है। इसके बाद कि वो फंगस और फिर से ना वापस आए, तो सबसे पहला है कि उसके बाद आप धूप दिखाइए थोड़ा बहुत। उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक लिक्विड आता है जो हम लोग बहुत जगह, हम लोग ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके इस लिक्विड को यूज़ करते हैं, स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो मैं आज सीक्रेट जो है फंगस का कि कैसे निकल सकता है उसका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले वो जो लिक्विड है वो बेसिकली एक एमवे का प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम है परस्यू। सो आपको एमवे एक कंपनी है, उसमें ये परस्यू जो है वो एक डिसइंफेक्टेड करने का है, जहाँ पर आप हॉस्पिटल ये सब में वो उसको ज़्यादा यूज़ होता है, पोछा में भी, वो पोछा करने के टाइम पे अगर आप वो उसको यूज़ करोगे तो बिल्कुल एंटी बैक्टीरिया फ्री और एंटी फंगल फ्री हो जाता है, वैसा एक वो लिक्विड है। तो उसी लिक्विड को या तो आप स्प्रे ले लीजिए, जो स्प्रे होता है जैसे बाल में स्प्रे करते हैं, उसके अंदर आप उसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है पानी और वो लिक्विड का। सो लिक्विड और पानी जो है वो एक पानी का, जो अगर आपका आधा बॉटल आपने पानी लिया है तो उसमें 3-4 ढक्कन लिक्विड डाल दीजिए एंड फिर उसको अच्छे से शेक करके वो जो स्प्रे के थ्रू आप उसको अच्छे से कैनवस में आगे पीछे दोनों जगह लगा दीजिए और लगा के हल्का सा कपड़े से उसको पोंछ लीजिएगा। फिर उसके बाद अगेन आपको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि बारिश के मौसम में इसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आधा टाइम बारिश के मौसम में तो धूप होती ही नहीं है, तो इसलिए बारिश का मौसम जाने के बाद मैंने करने को बोला था। बट ऑफकोर्स अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो भी आप उसको लगा के आप रख दो थोड़ा, और उसके बाद हल्का धूप भी हो तो भी आप दिखा के, फिर पूरे जब सूख जाता है तो फिर उसको बाद में 2-3 दिन बाद आप उसको कैनवस को फिर से रीस्ट्रेच करके, जहाँ पर वो फंगस लगा था और वो पेंटिंग ख़राब हो गई, तो आप फिर से रीपेंट उसको करके उसको फिनिश करके उसको ठीक कर सकते हैं। आगे से उस पेंटिंग में कभी फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फंगस प्रूफ कर दिया है पूरा कैनवस, इस वजह से वो और फंगस लगेगा ही नहीं। तो ये जो तरीका है ये एक्चुअली यूज़ तरीका है, हम लोग हर जगह यूज़ कर चुके हैं और हमने बहुत सारी पेंटिंग्स जहाँ पर भी कभी फंगस लगाए इसको यूज़ करके ठीक कराया, इसलिए लोग भी इसको यूज़ करके देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो इस तरह के ही टिप्स के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, और अगर आप
आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोई मीडियम का कुछ भी, या फ्री काउंसलिंग चाहिए, या आपको हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, या प्रोफेशनल या एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम देते हैं. सो आपको सिर्फ एक काम करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है मेरे इस नंबर पर. व्हाट्सअप मैसेज में आपका नाम और अपना स्टेट लिखना ना भूलिएगा, और उसके बाद आपको क्या चाहिए वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी. सो मुझे लगता है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जिसकी पेंटिंग्स खराब हो रही हैं. सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और फर्स्ट टाइम जो इस चैनल में आए डू सब्सक्राइब अस. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय फॉर टुडे.